देखिए, अगर आप इस जालिम दुनिया में काम करने उतरे हैं तो आपको मेरी ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए जो मैंने लास्ट टाइम बनाई थी, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि लाइफ टाइम आपके लिए काम आने वाला है। खैर, बढ़ते हैं आज की वीडियो में, और इस वीडियो को आप उस वीडियो का पार्ट टू भी मान सकते हो। आज की वीडियो में बात करने वाले एक ऐसे शख्स की जिससे आज हर एक एम्प्लॉई दुखी है, परेशान है और मजबूरन उसे झेलता है, जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं बॉस, मालिक, लाला जी, आप जो भी बोलते हो अपनी भाषा में। देखिए, ऑफिस में खटपट होना, पीठ पीछे बुराई होना और बॉस का आपको सुनाना एक आम बात है, ये हर जगह का हाल है। मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं तो मेरे बॉस के अंदर जो मालिक है उसके अंदर ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो कैसा शख्स होगा। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि किसी भी कंपनी को, किसी भी बॉस को आपसे कोई सिंपैथी नहीं है। जब तक आप उनके काम के हो, उनके मन मुताबिक काम कर रहे हो, तब तक आप वहां पर हो। तो आज की वीडियो में मेन पॉइंट है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचो, बॉस और कंपनी के बारे में नहीं। अब वो कैसे, चलिए बताता हूँ। अब देखिए, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और काम करते हुए आपको 2 से 4 साल हो चुके हैं, और इन 2 से 4 सालों में आप काफ़ी ओपन हो चुके होते हैं बॉस और कंपनी के सामने, एंड कहीं ना कहीं आपके लिए ये कम्फर्ट जोन भी बन चुका होता है। और कम्फर्ट जोन पता है क्या होता है? ऑफिस में अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी जाना, काम का कोई खास बर्डन नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ये चीज आपके लिए कंफर्ट जोन है। खैर, कंफर्ट जोन की हम यहाँ पर बात करने वाले नहीं है। अब देखिए, कंपनी में आपको काम करते हुए ये रियलाइज हुआ कि आपका यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है आने वाले 2-4 सालों में, जैसे कि आप सैलरी एक्सपेक्टेशन, पोजिशन जो भी हो, तो आप क्या करोगे? आप अपने बॉस को कहोगे कि मैं काम छोड़ने वाला हूँ, तो आप अपना देख लीजिए। अब देखिए, अगर आप ऑफिस में अकेले हो, आपका कोई अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है कि आपके जाने के बाद उस काम को कोई संभाल सके, तो बॉस क्या करेगा? आपको अपने कैबिन में बुलाएगा। अब हमारे साथ काम नहीं करेगा। क्यों भाई, क्या बात है करण? अगर कोई पैसे की बात, पैसों की बात नहीं है चौधरी साहब, बस मन से उठ गया इन सब चीजों से, इज्जत की जिंदगी जीना चाहता हूँ। और आराम से बोलेगा कि बैठो, और उसके बाद आपको पूछेगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या ऑफिस में किसी के साथ खटपट हुई है, क्या मन मटा हुआ है, या फिर सबसे मेन चीज सैलरी की दिक्कत है, कहीं इंक्रीमेंट नहीं हो रही। देखिए, मिडिल क्लास एम्प्लॉय की 90% चांसेस हैं कि वो अपनी जॉब को सिर्फ पैसे की वजह ही छोड़ रहा है। सिर्फ 10% चांसेस ही होती हैं कि वो फॉर एनी फर्दर रीजन, जैसे कि ऑफिस का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, या फिर किसी के साथ कोई खटपट हो गई। देखिए, जहाँ तक बात है ऑफिस के एनवायरनमेंट की, आप कहीं भी चले जाओ, आपको ऑफिस का एनवायरनमेंट टॉक्सिक ही मिलेगा, कुछ एक केसेस को छोड़कर, तो वो तो आपको झेलना ही पड़ेगा। क्या जरूरी नहीं है कि यहाँ एनवायरनमेंट खराब है तो वहाँ एनवायरनमेंट सही मिले, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, आप कहीं ना कहीं पैसों के लिए ही काम को छोड़ रहे हैं, और दूसरी जगह पर आपको सैलरी जो अच्छी मिल रही है। अब बॉस क्या करेगा कि वो आपसे पूछेगा कि सैलरी की दिक्कत है? अगर सैलरी की दिक्कत है तो यकीन मानिए वो आपकी सैलरी की इंक्रीमेंट कर देगा इन 90% केसेस में। मेरे केस में जो है, जो भी इंक्रीमेंट होती थी उसकी 3 गुना इंक्रीमेंट उसने कर दी थी। अब मैंने सोचा कि यार 3 गुना यहीं पर इंक्रीमेंट हो गई है, तो मेरे को बाहर क्यों जाऊँ? बस यहीं पर मेरे से सबसे बड़ी गलती हुई, क्योंकि उस जगह पर कोई फ्यूचर था नहीं, और सिर्फ चंद पैसों के लिए मैं वहीं पर रुक गया, जिसका खामियाजा मुझे आने वाले टाइम में, यानी कि 2-3 सालों के बाद भुगतना पड़ा। क्योंकि मैंने सोचा यार, जहां पर मैं दूसरी जगह जा रहा हूं वहां भी मुझे इतनी सैलरी मिल रही है, और यहीं मुझे इतनी सैलरी मिलने लग रही है, और एनवायरनमेंट भी मेरे अकॉर्डिंग है, और मैं यहां पर अपनी मर्जी से जो है काम भी कर सकता हूं, तो मुझे दूसरी जगह क्यों जाना? तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बेशक आप आज जहां काम कर रहे हो वहां आपकी फुल मौज है, पर आप उस नए काम को देखिए, एनालाइज कीजिए कि आने वाले 2-4 सालों में आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको सीखने को कहाँ मिलेगा, ये चीज़ देखें आप, ना कि चंद पैसे और कंफर्ट। दूसरा, जब आप काम छोड़ने की बात करोगे ना, तब आपसे कहा जाएगा कि तेरी जगह पर कोई और कोई एम्प्लॉई देके जा, ऐसा नहीं जाने दूंगा, तो भाई वो बॉस की टेंशन है आपकी नहीं, आपने उसे अल्टीमेटम टाइम दे दिया है, क्योंकि यही बॉस, यही मालिक, अगर आप इसी जगह पर रुकते हो, कल को उसी ऑफिस में आपका कोई अल्टरनेटिव आ जाता है ना, तो आपको उस ऑफिस से बाहर निकालने में वो मालिक बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेगा, बेशक से आपको 7 से 8 साल ही क्यों ना हो गए हों। जाहिर सी बात है, आप जिस पे स्केल पर हो, नया एम्प्लॉय उसी काम को आपसे कम पे स्केल पर कर देगा, तो एक मालिक को बॉस को चाहिए क्या? उसको 2 पैसे ही तो बचाने हैं, और वही वो ऑप्शन चुनेगा। अब जैसे कि मेरा एक दोस्त बोलता है कि मैं अब ये काम छोड़ दूंगा, पर इनको कोई दूसरा एम्प्लॉय मिल नहीं रहा, जिस वजह से मैं नहीं जा रहा। भाई, तेरे को 1 साल हो गए, 1 साल से इन्हें कोई एम्प्लॉय नहीं मिल रहा, सच तो ये है तुझे इस कंफर्ट जोन की आदत हो चुकी है और तू यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मन बना लिया है जाने का और आपको कोई बेटर ऑप्शन मिल रहा है, तो सिर्फ अपना सोचे, इनका नहीं। यही एक रियलिटी बेस्ड चीज़ है, मैं निकल चुका हूँ इस चीज़ से।
दूसरी बात, आप पहले से ही बोल दें मालिक को, बॉस को, कि मुझे जाना है, ताकि उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना, और बार बार काम ना छोड़े, इससे आपकी इमेज पर भी असर पड़ता है।